बीजेपी केजरीवाल सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि वो हिंदू विरोधी हैं, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दे रहे हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, गौरी गणेश को नहीं मानते हैं। तो इसके आधार पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार जो है, आम आदमी पार्टी जो है, वो हिंदू विरोधी है। के वरिष्ठ नेता और अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री, जिनका बहुत ही नफरत फैलाने वाला बयान उन्होंने 10,000 की भीड़ के अंदर दिया है, जिस तरह उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमान का भाव दिखाया है और उन्होंने जिस तरह से नफरत फैलाने का काम किया है, वो सिर्फ निंदा करने योग्य नहीं, उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सही है। ये वीडियो 5 अक्टूबर का है जिसमें केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक धम्म दीक्षा समारोह में शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, फिर आगे की कहानी सुनाता हूं आपको। दिल से और पूरे जोश से आपको ये 22 प्रतिज्ञा बोलनी है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि इसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दरअसल 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग किया, इस वजह से कि हिंदू धर्म में उनके साथ अत्याचार हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, तो उसके चलते हिंदू धर्म का उन्होंने त्याग किया और बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया। तो उस समय उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ दिलवाई थी और उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को जो है, हर साल जो है दशहरे पर प्रोग्राम होता है तो उसमें उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को जो है दिलवाया जाता है। और इसमें भी ये जो इवेंट था, इसमें भी उन्होंने इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया है। बीजेपी का जो आरोप है वो सरासर गलत है। 1956 में, चूंकि पूरी जीवन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जाति की वजह से उत्पीड़न झेला, यहाँ तक कि उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया बड़ोदरा में 23 सितंबर 1917 को। वहाँ उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने पूरे समाज को हजारों साल की गुलामी से आज़ादी दिलाऊंगा। पहले उन्होंने इस सामाजिक व्यवस्था में, जिसमें कोई जन्म से नीचे कोई जन्म से ऊंचे, उसमें सुधार का प्रयास किया, लेकिन जब वो विफल हो गए तो 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ दिलवाई। और वो चाहते थे कि भारत बौद्धमय बने, जो बुद्ध का धर्म भारत से पूरी दुनिया में गया और वो शांति का और मानवता का धर्म है। वो धर्म में और धम्म में अंतर है। धम्म का मतलब जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान और बुद्धि और विवेक से जीवन के फैसले लेना और हिंसा ना करना, नशा ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, इस तरह का संकल्प उन्होंने पूरे समाज को दिलवाया था 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी के दिन। उसी दिन से पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हजारों जगह पर हर साल ये बौद्ध धम्म दीक्षा का आयोजन होता है। तो बीजेपी बिना वजह की मुद्दा बना रही है, राजनीति करने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एजुकेशन की वो बात नहीं करते, हेल्थ की वो बात नहीं करते, रोजगार की वो बात नहीं करते, महंगाई की वो बात नहीं करते, तो उनके पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं तो ये इसको बिना वजह राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा ये तो हर साल होता है और फिर बीजेपी के भी मंत्री उसमें शामिल होते हैं। परसों नितिन गडकरी भी उसमें शामिल हुए, रामदास अठावले भी शामिल हुए दीक्षा के प्रोग्राम में नागपुर में, तो उसमें गलत क्या है? उसका कोई राजनीति से मतलब नहीं है, ये तो धार्मिक आयोजन होता है बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायियों का। उसमें आप जो शपथ चल रही है उसमें ये कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूँ, मैं गौरी गणेश को नहीं मानता हूँ, तो उसको लेकर जो है मुद्दा बनाया। एक्चुअली 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिलवाई थी 1956 में और वो 22 प्रतिज्ञाएं पूरे दुनिया के अंदर दीक्षा के प्रोग्राम में दिलवाई जाती हैं। उसमें किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला जाता। बौद्ध धर्म तो वैसे भी सबकी आस्था का आदर करता है और भारत का संविधान सबको अपने आस्था को मानने की इजाज़त देता है, सबको अपने धार्मिक जो फेथ है उसकी उपासना की आज़ादी सबको है।
राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि इस समारोह के अंदर वो लोग भी थे जो बौद्ध धर्म में नए शामिल हो रहे थे और पुराने जो बौद्ध धर्म लोग स्वीकार कर चुके हैं वो भी इस कार्यक्रम में थे। और ये जो है इस तरह का कार्यक्रम जो है 1956 से ही चला आ रहा है, जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं करवाई थी एक समारोह के अंदर। 14 अक्टूबर 1956 की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये जो दावा वो कर रहे हैं इन 22 प्रतिज्ञाओं वाला, क्या ये सही है? तो हाँ, ये बात सही है कि 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म जो है स्वीकार किया, क्योंकि उनका कहना था कि हिंदू धर्म में जो है वो उनके साथ भेदभाव हो रहा है और सही तरीके से जो है ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है दलितों का, तो तब उन्होंने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और 22 उनकी प्रतिज्ञाएँ जो हैं वो बड़ी प्रसिद्ध हैं, और जिसमें ये कहा जाता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी कोई पूजा करूंगा, मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो ये बात जो वीडियो में दिखाई दे रही है ये उनकी प्रतिज्ञाओं में शामिल है, लेकिन इसमें साथ में ये भी इसमें कहा गया कि मैं जो 22 प्रतिज्ञाएं थी उसमें ये भी कहा गया कि मैं ये नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे और मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। तो 22 प्रतिज्ञाएँ जो हैं उन्होंने करवाई थी, जिसमें मनुष्य की समानता में विश्वास रखता हूँ ये बात भी थी और मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा और मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूँगा। तो ये जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं ये वाकई में बाबा साहब ने उस समय पर करवाई थी, और यही जो है उस कार्यक्रम के अंदर जो है जो दिल्ली के अंदर हुआ 5 अक्टूबर दशहरे वाले दिन, तो ये प्रतिज्ञा जो थी ये वही थी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में करवाई थी। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की धम्मा की दीक्षा ली तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को से 22 प्रतिज्ञाएं करवाई, क्योंकि अब वो नए धर्म में जा रहे हैं तो नए धर्म में जाने का मतलब है कि पुराने धर्म में जब वो थे तो पुराने धर्म की चीज़ों को उन्हें रिजेक्ट करना था। तो उस रिजेक्शन में जो है पहला जो उसका उनकी प्रतिज्ञा है वह है, ये मराठी में ओरिजिनल है, मी ब्रह्मा विष्णु महेश याना देव मानडार नाही किंवा त्वांची उपासना कारगर करणार नाही, मी राम कृष्ण यानी वगैरह वगैरह, वो बोल रहे हैं सारे हिंदू देवी देवताओं भगवानों को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। यह डॉक्टर अंबेडकर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हर साल लाखों कैलेंडर इस पर छपते हैं, कहीं कहीं तो लोग बताते हैं कि इसके भित्ति चित्र भी बने हैं। तो यह बाबा साहब का यह एक धर्म की क्रांति थी, और दिल्ली के कोई नेता, उनका नाम हमें ठीक से तो नहीं, शायद गौतम ने ये जो किया है वो तो बाबा साहब का जो कहा हुआ है उसी का इन्होंने प्रतिज्ञाओं को रिपीट कराया है, इसमें गलत क्या है? ये जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं गौतम जी को, ये लोग वही हैं, वही ये लोग हैं जो दलितों के धार्मिक आज़ादी, दलितों के बोलने की आज़ादी को पसंद नहीं करते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि अगर ये वही प्रतिज्ञाएं हैं जो बाबा साहब अंबेडकर ने करवाई थी और तब से ही ये चली आ रही हैं, तो और उन्हीं प्रतिज्ञाओं को अगर इस कार्यक्रम में दोहराया गया है तो फिर विवाद किस बात को लेकर है? तो विवाद की बात बस ये है कि राजनीति है, चुनाव है, गुजरात है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजे जोसफ के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।